दोस्तों जियो फाइबर के साथ में रिलायंस आपको लैंडलाइन कनेक्शन भी फ्री में दे रहा है। तो बेसिकली आपको जियो फाइबर का प्लान सेलेक्ट करना है और उसके साथ में आपको लैंडलाइन कनेक्शन फ्री में मिलने वाला है। अगर आप इस राउटर पर ध्यान दें, ये देखिए यहाँ पर लैंडलाइन कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपके पास जियो फाइबर है और इस प्रकार का राउटर है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप ये जो लैंडलाइन कनेक्शन है इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और सबसे पहले तो जो माई जियो का एप्लीकेशन है उसमें आपको जाना है और अगर आपने जो जियो फाइबर अकाउंट को लिंक नहीं किया हुआ है तो यहां पे देखिए लिंक न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको टैप करना है और यहां पर आप गीगा फाइबर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो नंबर आपने रजिस्टर किया था गीगा फाइबर लेने के समय उस नंबर को आपको ऐड करना है। आपको एक OTP आएगा और उसके बाद में ये जो गीगा फाइबर अकाउंट है आपके माई जियो एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। मैंने वो ऑलरेडी कर दिया है और उसके बाद ये जो माई जियो एप्लीकेशन है उसमें जो जियो फाइबर है उस अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना है, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप जो लैंडलाइन कनेक्शन है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिचार्ज में जाना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो जियो फाइबर है इसका ऑफिशियल प्लान्स 5 सितंबर से आने वाला है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिचार्ज में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 0 रुपीस का प्लान दिखा रहा है और यहाँ पर वैलिडिटी है 4 सितंबर तक। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 सितंबर से जो प्लान्स है यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा और मुझे उनमें से कोई ना कोई प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे रिलायंस ने ऑलरेडी बता दिया है कि उनका जो प्लान है वो 700 रुपये से शुरू होता है। फिलहाल तो कोई प्लान ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाय ऑप्शन का उपयोग कर सकता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल गया है जियो फिक्स्ड वॉइस और इसे मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। प्रोसीड जाता हूँ और कुछ स्टेप्स मुझे फॉलो करना है। तो मुझे एक OTP भेज दिया है रिलायंस ने और उस OTP को मुझे यहाँ पर एंटर करना है। तो ये देखिए मुझे ये मैसेज मिल गया है और मुझे कुछ देर के बाद जो जियो फिक्स्ड वॉइस नंबर है वो मिल जाएगा। तकरीबन 1 मिनट के बाद मुझे ये मैसेज आ गया है और मुझे जो मेरा जियो फिक्स्ड वॉइस नंबर है वो भी मिल गया है और यहाँ पर मैसेज में ये लिखा हुआ है कि मैं जो राउटर है उसमें जो RJ11 पोर्ट है, बेसिकली लैंडलाइन का पोर्ट है, उसमें मैं एक फ़ोन कनेक्ट कर सकता हूँ, लैंडलाइन फ़ोन, और ये जो लैंडलाइन की सुविधा है मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। और मैसेज में ये भी कहा गया है कि मैं ये जो जियो 4G वॉइस है ये मेरे स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये जो जियो फाइबर राउटर है इसमें जो RJ11 पोर्ट है उसमें मैंने ये केबल जो आमतौर पे लैंडलाइन के लिए उपयोग किया जाता है उसे मैंने डाल दिया है और ये देखिए ये लैंडलाइन फ़ोन मैंने इसके साथ में कनेक्ट कर लिया है। तो ये जो जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन है इसे मैंने मेरे स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर दिया है और फिलहाल जो वाईफाई है मैंने इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कि जो जियो फाइबर राउटर है उसके साथ में मैंने वाईफाई के जरिए मेरे स्मार्टफोन को कनेक्ट किया है और ये जो एप्लीकेशन है इसने ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लिया है। मुझे एक SMS आया है OTP के साथ में और वो OTP एंटर करने के बाद अब मैं ये जो एप्लीकेशन है इसका उपयोग करके जियो फाइबर के जरिए कॉल कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो जियो फाइबर का लैंडलाइन नंबर है वो मैं इस एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस कर रहा हूँ और उसके जरिए मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ऐसे आप मल्टीपल डिवाइसेस पर जो लैंडलाइन नंबर है उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि ये जो फ़ोन है इसके ज़रिए आप लैंडलाइन नंबर के ज़रिए जियो फाइबर के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो नेटवर्क है वाईफाई नेटवर्क है वो जियो फाइबर के वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। ये देखिए मैं एप्लीकेशन का उपयोग करके जो लैंडलाइन नंबर है उसके ज़रिए कॉल कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने स्मार्टफोन का भी उपयोग कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस मतलब कि मल्टीपल स्मार्टफोन्स का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्रकार के लैंडलाइन यूनिट को इस राउटर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी काम करने वाला है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लैंडलाइन फ़ोन आप उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें जो टोन है टोन ऑप्शन पर सेट कीजिए, क्योंकि पल्स पर ये काम नहीं करने वाला है। तो टोन पर मैंने सेट कर दिया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नंबर के ज़रिए, मतलब कि ये जो जियो फाइबर लैंडलाइन नंबर है उसके ज़रिए मैं मेरे स्मार्टफोन को कॉल करने वाला हूँ। तो ये लीजिए मैंने कॉल कर दिया है और कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पर रिंग होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए रिंग होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल मैं इससे कॉल कर रहा हूँ, अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये देखिए। और अब मैं मेरे स्मार्टफोन का उपयोग करके इस नंबर पर डायल करता हूँ, ये देखिए इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास जियो फाइबर राउटर है तो इस प्रकार से आप रिलायंस जियो फाइबर लैंडलाइन का उपयोग कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसे आपको फॉलो करना है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सेटअप हो जाता है।
और अच्छी बात यह है कि जब तक आपके पास जियो फाइबर का कनेक्शन है तब तक आपको ये जो लैंडलाइन सुविधा है ये फ्री में मिलता रहेगा। इनफैक्ट सिर्फ कॉलिंग ही नहीं बल्कि वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप रिलायंस जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं और उसके जरिए आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जियो फाइबर फिक्स्ड लैंडलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो जियो फाइबर राउटर है इसमें आप इस प्रकार के लैंडलाइन डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और जो लैंडलाइन सुविधा है उसे फ्री में उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।